know not to move. She made my mind go, ooh-ah. Yeah. Not to move. You got a cold heart, I've got only one heart. मैं चाहूंगी कि बच्चा ऑब्वियस इस फिल्म से जुड़ी और खासकर इस गाने से जुड़ी आपकी खट्टी मीठी बातें यादें आप तरोताजा करें। खट्टी बातें तो कुछ नहीं है, सारी बातें मीठी हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है। बहुत अच्छा, हमारे को धनराज जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, भाटी जी का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्ला जी का और पूरी युवा की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और हमें ये चांस दिया कि आज हम यहाँ खड़े हुए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मीडिया का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा मीडिया इस फिल्म के बारे में जितना हो सके इस फिल्म को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान अपना दें और बस इस थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बिल्कुल सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो आप सबका साथ तो पहले बनता है। ओ माय गॉड। ओके एंड अब थैंक यू सो मच। अभी और आगे बढ़ाते हैं, ढेर सारे सरप्राइजेस सबके लिए, खासकर हमारे जितने फ्रेंड्स पीछे हैं ये लॉन्चिंग बट ऑब्वियस हम सबके साथ आपके लिए, ताकि आपकी बात बट ऑब्वियस पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचनी है। और अब भाई कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत के मामले में सबके जुदा जुदा ख्याल होते हैं। मेरा क्या मानना है बताऊं, इजाजत है? हाँ तो बोलिए यार। ओके, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत है। आपने देखा इतनी, मतलब क्या बात है, प्रिंसेस जैसी, हमारी डॉल जैसी, सारे जितने भी लीड एक्ट्रेस हैं। सो कहते हैं कि इश्क के चर्चे बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत हैं, इश्क करके देखा है, इश्क में खर्चे बहुत है। अभी ज्यादा तालियां आ रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है शायद। हाँ, ये बात इसलिए कही क्योंकि एक और बहुत ही प्यासा गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट राशिद जी ऑन स्टेज प्लीज। राशिद जी कहाँ हैं आप? इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गाना भी कुछ ऐसा है, इश्क फोबिया। ओ माय गॉड, क्योंकि अभी मैंने गाना सुना नहीं है, बट आई एम वेरी क्यूरियस क्योंकि लिरिक्स भी ऐसे हैं और खासकर इनके सिंगर मोहम्मद इरफान जी यहाँ मौजूद है, राइट? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज प्लीज, जोरदार तालियां प्ले बैक सिंगर मोहम्मद इरफान के लिए। और मीनवाइल कुछ धमाल करते हैं स्टेज पे। या ओके, वो आ गए, पर क्या बात है, प्लेबैक सिंगर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गा के सुनते। आर यू रेडी? यस, कैन वी हैव माइक प्लीज? गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर एंड बहुत ही खूबसूरत गाना मैंने गाया है इस फिल्म में और राशिद भाई ने बहुत बहुत अच्छा कंपोज किया है। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और उम्मीद करता हूँ कि ये गाना जब ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो लोग बहुत पसंद करेंगे इस गाने को। मैं चाहूँगा राशिद भाई पहले गाने के बारे में कुछ बताएं, फिल्म के बारे में कुछ बताएं, देन आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग। ये गाना इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह मोहम्मद भाई ने इतना अच्छा गाया है, जैसे इनके ऑल सॉन्ग सीट हुए, दर्द दिलों के कमजोर हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इश्क फोबिया भी आप लोग पसंद करें, बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें। जी भाई, फिर सिंगर मेरे साथ है। हाँ भाई, ये गाना कुछ ऐसे शुरू होता है, मैं चाहूँगा कि राशिद भाई मेरे साथ गाएं। चढ़ा है जो दिल पे असर, अब उतर न पाए, मरने का जी करे क्यों, हाँ जिया न जाए, है लाल रंग तो इश्क का, नैनों को लाल ही भाए, जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए, लाल ही दिख जाए।
जाए है इश्क में लाखों खूबियां, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। थैंक यू। ये गाना हम लोग राज साहब से करने वाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्टर साहब को बोला मोहम्मद भाई बहुत अच्छा गाएंगे ये, माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा वो विजुअल के साथ देखें आप लोग। थैंक यू सो मच। इट गोज दिस वे। मेरी माँ की तरफ आंख उठाए सर फोड़ दू मैं तो माँ कसम, कम ऑन आई वांट तालियां साथ में एवरीवन। मेरी माँ की तरफ आंख उठाए सर फोड़ दू मैं तो माँ कसम, मेरी बहन पे जो नजर गड़ाई मुँह नोच लू मैं तो माँ कसम, कब तक चुप रहेंगे ये प्यार के हम में नहीं है दम। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमाली। खुद से तो खुद से वादा किया है कि युवा जोश को हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, सो अब मैंने युवा जोश की बात की, लेकिन मैं चाहूंगी एक साथ सबको हम मंच में बुलाएं, तो मैं चाहूंगी कास्ट एंड क्रू जितने भी यहाँ मौजूद है प्लीज उन्हें स्टेज पर इनवाइट करें। ये सारे के सारे लेट आए, जैसे सारे स्टार साथ हैं, तो इनको स्टार वाली खुशबू तो आ गई है, लेट आना तो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद युक्ति। युक्ति प्लीज कम। युक्ति रोशनी प्ले कर रही है। नाउ शेफाली प्लीज कम। ये हमारे योगा टीचर है मेघव्रत, एंड एक एक करके बैठो सब लोग आ जाओ। शीना बजाज प्लीज कम। ये रश्मि प्ले कर रही है। लवेन प्लीज कम। सब प्लीज बुलवाओगे कि करके आते रहो। आ जाओ रोहन मेहरा, नेहा, पूनम जी कहाँ गई, मोहित बघेल, सलमान भाई, आ जाओ बेटा। और कोई और युवा मिस है क्या आगे सारे? ये विक्रांत राय कहाँ है? हमेशा टीम के बाहर कहाँ है भाई विक्रांत? वैसे राहुल गायब होता था, राहुल के लिए बोलते थे, राहुल पानी चला जाएगा, ये विक्रांत कहाँ है? अच्छा विक्रांत चलो जब आएगा। वैसे ये मेरी युवा टीम है जिसने बड़ी मेहनत की, जिनको मैंने जो बोला इन्होंने वो सब किया। हम एक 30 फीट के गड्ढे में इनको कूदा दिया बिना किसी सपोर्ट के, दो लोग डूबते डूबते भी बचे। प्लीज कम, ये बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी आप सब बिल्कुल स्टेज पर बने रहे। इट इज ऑलवेज से दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एवरी एंड मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग। बाय ऑल दिस मीन आई वांट टू से दैट अब तक आपने कुछ कुछ प्रोमो यानी कि झलक देखी, और जिसके लिए हम सब यहाँ मौजूद है। भाटी जी हाँ प्लीज आप आगे आए, एंड या बिल्कुल राइटर हम सब हैं। या आप क्या कहना चाहेंगे? या लेट्स रॉक इट आउट। सलमान है हाथ पकड़ के देने लगाते हैं। Oh my God, यूपी के सलमान है तो हाथ छोड़ते देर भी नहीं लगाते। Oh my God, ये यूपी के सलमान और गुजरात की छोरी, you know, गुजरात की छोरी क्या कर सकती है? डांडिया और गरबा के बारे में सुना तो उससे वहां से बता नहीं और क्या कर सकती है। इसके अलावा आपने बिगिनिंग में नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी क्या था, अवार्ड भी मिला और बहुत कुछ, तो थोड़ा बच के रहिएगा। इतनी टैलेंटेड लड़की जो 150 किलो का लहंगा पहन के घूम रही है, इसके लिए वैसा टैलेंट चाहिए। आप देख लो, मतलब इनके लिए ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। अच्छा, वैसे लगता है कि लड़कियों के बारे में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। वो भाई साहब कह रहे फोटो ले लो, भाई साहब मेरा यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से मेरा सेम नहीं आता है लेकिन ले लो। या बिल्कुल क्यूटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री मिस्टर राजन। Come on everyone, धनराज जेठानी जी के लिए। Everybody, let's cheer up three times. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! आप सबको देखिए कोई भी धन्ना सर के गाल नहीं खींचेगा। धन्ना सर के गाल कोई नहीं खींचेगा। क्यूट है इसका मतलब ये नहीं है कोई भी गाल खींचेगा। और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं खींचेंगी।
मुझे लगता है थोड़े जज्बात को कंट्रोल करो, क्योंकि क्योंकि वही तो नहीं होता युवा का, यही तो मतलब है कभी। या बट हम चाहेंगे कि इस जज्बात को हम सही जगह ले चलते हैं और कुछ ना कहते हुए जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, इस पल को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, यानी कि ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, हम सबकी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आज मेरा भी यहाँ प्रोफेशनली आना नहीं हुआ, एक परिवार के सदस्य की तरह हूँ। धनराज अंकल ने खास मुझे याद किया, थैंक यू सो मच। म्यूजिक लॉन्च भी कर ले जनाब, थोड़े फोटोग्राफ्स तब भी ले ले या तो। और कुछ ना कहते हुए जिस पल के लिए और जिसके लिए आज हसीन शाम में हम यहाँ आए हैं, तो इस म्यूजिकल लॉन्च की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई एम श्योर, आर यू रेडी? आई एम श्योर आप कब से वेट कर रहे हैं। तो या धनराज जी, चंद्रेश जी एंड भाटी जी, लॉन्च करो, लॉन्च। संग्राम जी, वेयर आर यू? कम अप ऑन स्टेज। कह रहे जब कभी पूरा ना हो उसे सपना कहते हैं, और जो जिंदगी भर याद रहे।